क्या प्यार प्रभु की देन नहीं है? आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैं उस औरत को छोड़ दूं जिससे मैं प्यार करता हूं सिर्फ इसलिए कि वो एक फिलिस्तीनी है? क्या तुम्हारा प्यार हमें उनसे बचा लेगा? अन्य जाति विवाह क्यों नहीं करना चाहिए? दोस्तों, प्रकाशित वाक 7:9 में लिखा है, हर जाति और हर कुल के लोग सिंहासन और मेमने के सामने खड़े हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28:19 में स्वयं यीशु ने कहा, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। फिर ईसाई लोग क्यों कहते हैं, प्रभु पर विश्वास ना करने वाले अन्य जातियों से विवाह मत करो? विश्वासी अन्य जातियों से विवाह क्यों ना करें? क्या ईसाइयों में भी जाति पाति का भेद विद्यमान है? सच्चाई आज पवित्र आत्मा बताने वाला है। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इस चैनल में आप सदैव इसी प्रकार के रहस्यों को स्पष्ट करने वाले वीडियो देख सकते। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। आप मुझसे यही सब करवाना चाहते हैं? सिमसोन नाजीर था। उसका आरंभिक जीवन परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार शुरू हुआ, फिर उसका अंत दर्दनाक क्यों हुआ? दोस्तों, प्रत्येक प्राणी के रूप अलग हैं, रंग अलग हैं, फिंगर प्रिंट्स अलग हैं, डीएनए अलग है, पर जाति सिर्फ दो है। पहली जाति नर और दूसरी जाति मादा। तो फिर परमेश्वर के कहलाने वाले लोग ही क्यों भेद करते हैं? कमेंट में जरूर लिखें। जय मसीह लिखकर प्रभु की महिमा अवश्य करें। सिमसोन की कमजोरी स्त्री थी। सर्वप्रथम उसने तिम्ना निवासी एक फिलिस्ती स्त्री से प्रेम किया, फिर गाजा नगर की एक विश्या के साथ संबंध स्थापित किया। तत्पश्चात सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक स्त्री से प्रीति करने लगा। पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति राजा सुलेमान, जिसने परम पवित्र परमेश्वर के मंदिर का सबसे पहले निर्माण करवाया था, जिसने साक्षात परमेश्वर की आवाज को अपने कानों से सुना था, उसने भी 700 उन रानियों से विवाह किया जो अन्य जाति थी। आप में से अधिकतर लोग इन दोनों महापुरुषों के अंत अवश्य जानते होंगे। इन दोनों महापुरुषों का अंत बेहद डरावना था। राजा सुलेमान सब जानते हुए भी अपने जीवन के अंतिम दिनों में उनकी पूजा और इबादत करने लगा जिन्हें ईश्वर कहा ही नहीं जा सकता। पूर्व के लोग अनजान थे, वे समझ नहीं पाए थे कि अन्य जाति कौन है। यीशु मसीह के आते ही स्पष्ट हो गया कि अन्य जाति कौन है। गलातियों की पत्री उसके 3:28 में स्वयं आत्मा ने बताया कि जाति सिर्फ दो है, विश्वासी और अविश्वासी। कुरिन्थियों की 2 पत्री उसके 6:14 में स्पष्ट लिखा है, यदि विश्वासी अविश्वासी के साथ विवाह करता है तो उसके साथ उसका संबंध स्थापित होते ही वो उसके साथ एक हो जाता है, अर्थात स्वयं अविश्वासी के समान बन जाता है। और उस पर भी राजा सुलेमान और न्याय सिमसोन की तरह शैतान का आक्रमण हो सकता है। उसका अंत भी इन्हीं दोनों महापुरुषों के समान भयंकर और दर्दनाक हो सकता है। परमेश्वर अपनी संतान से अत्यंत प्रेम करता है, वह नहीं चाहता कि उस पर विश्वास करने वाले विश्वासी भी मीका के समान मूर्ति पूजा करें और दान वंश की तरह विश्वासियों के भटकने का कारण बन जाए। दोस्तों, दान वंश ने मीका की मूर्तियों पर मन लगाया और अनंत जीवन को पाने के अपने अधिकार को खो दिया। दोस्तों, प्रकाशित वाक्य में स्वर्ग पाने वाले लोगों की लिस्ट में दान गोत्र का नाम नहीं पाया जाता। सो जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता वो अन्य जाति है, और हो सके तो उन अविश्वासियों के साथ विवाह मत करें और स्वयं के अनंत को सुरक्षित